सरबरा कौमी यकजहती कौंसल एजाजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी। देखें कि किस तरह से हमने अपने डिफरेंसेस को खत्म करके अपनी अपनी गलतियों को तस्लीम करते हुए हमने पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए आगे कैसे चले, बजाय दस्त को गिरबान होने के एक मरतबा जरा थोड़ी सी जप्पी डाल के देखें। मैं बस जप्पी तक ही रहे तो वही बहुत अच्छा है, अगली बार ना ही करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते। एम एम ए की बात कर रहे हैं आप? एम एम ए जो बनी थी, सॉरी, तो एम एम ए बनी थी इसी इलेक्शन किसी तरह की, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह हो गई थी। सुन तो लीजिए, कौमी जेएसपी पर उसकी पार्टियां भी आएंगी और कराची की आवाम ने बड़े दुख देखे हैं। अब वो नारों पे यकीन नहीं करेंगे, नौजवान वोट कहते कि नहीं देंगे क्योंकि कराची का जो मसला है वो हल कोई भी नहीं कराता। ये बड़ी अच्छी बात है, अगर वोट देना ही बंद कर दें तो कम से कम सियासतदानों को थोड़ी सी अक्ल आ जाएगी। अगर एक दफा कहना हमारा 90 में जब 88 में इलेक्शन लड़े थे तो कहते थे कि बिजली दो वोट ले लो, तो लोगों ने फिर बिजलियां देनी शुरू कर दी, फिर कहा गैस दो तो वोट ले लो, तो यहां कहे कि हमारा हक दो तो वोट ले लो। हर जगह पे उनका हक मिलना चाहिए। अब आपको खुद नहीं पता कि आप कौन से वाले इतिहाद की बात कर रहे हैं, पीडीएम की कर रहे हैं, एमएमए की कर रहे हैं, है जी, कि पीपल्स पार्टी की कर रहे हैं या किसी। हाँ, एमएमए तो बहुत अच्छा इतिहाद था, उसने हुकूमत की है 5 साल इस मुल्क के अंदर, अपोजिशन में बैठे हैं मौलाना फजल रहमान साहब की क्यादत में जो था काजी हुसैन अहमद थे। जमात इस्लामी के साथ भी हमने कुछ दोस्तों को भेजा था, मैं कोशिश करूंगा कि सिराजुल हक साहब से भी एक मीटिंग हो जाए क्योंकि वो भी अच्छे नजरियाती जमात है। लेकिन एक पार्टी मुल्क में ऐसी भी है जो मकबूल है और आप भी गए, उनसे मुलाकात भी की उनके सरबरा से, जो इस वक्त उनके वाणी जेल में मौजूद है, तो क्या समझते हैं कि कौमी यकजहती के लिए उस पार्टी से बात नहीं करेंगे ताकि उनको भी लेके चले और वो भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट के बजाय जो है वो आए और मुल्क के लिए जो है वो आपके साथ? सबसे मैंने तो कहा ही नहीं किसी को, मैंने कहा कि इसको एक्सक्लूड कर दो, जो गलतियां हुई हैं उसकी मैंने कहा सबके साथ। अगर आप कहते हैं मैं नाम लूं तो नाम भी ले देता हूं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके साथ मैंने हमने काम किया है, उनके साथ हमने इलेक्टोरल अलायंस किया था, सबके साथ बात होनी चाहिए। हम नहीं कह रहे किसके साथ नहीं होनी चाहिए, और जो जिसने जो गलती की है, मैं नहीं कहता कि अक्रॉस द बोर्ड सब ने गलती की है, लेकिन जिसने जो गलती की है उसको उसकी माफी भी मांगनी चाहिए, उसका अजाला भी करना चाहिए और सबको मिलकर चलना चाहिए। और सबको आजकल एक नया लफ्ज निकला है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। और आज अभी मैं जहाज से उतरा हूं तो पहली खबर मुझे मिली कि बल्ला भी बहाल हो गया, तो इसका मतलब अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाए शायद। सवाल ले लीजिएगा, मेरा न्यूज से मेरा ताल्लुक है। सवाल यह है कि गलतियां सिर्फ सियासतदान ही कबूल करेंगे उन्हीं ने गलतियां करेंगे, या दूसरी तरफ भी लोगों को अपनी गलतियां कबूल करनी चाहिए? और आप सियासी बसीरत रखते हैं, जाहिर बातें नजर है आपकी, 8 फरवरी को इलेक्शन होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका और सारे मिलियन डॉलर क्वेश्चन है आपका। अगर ये मुझे हर बंदा यही पूछता, अभी जहाज में बैठा हुआ था, इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को। सरबरा कौमी यकजहती कौंसल एजाजुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सबके साथ बात होनी चाहिए, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने चाहिए।